स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल बंसर बायोलॉजी आज का जो ये वीडियो है इसमें हम स्पेसिफिकली जो जून 2024 का एग्जाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में उसमें जो सेल बायोलॉजी यूनिट है दैट इज यूनिट टू अकॉर्डिंग टू द सी एस आई आर नेट सिलेबस उसका हम डिटेल में सोल्यूशन देखने वाले हर एक क्वेश्चन का हम डिटेल में सोल्यूशन देखेंगे सो लेट्स के स्टार्टर विदेक्चर गाइस एंड लेट सी दर्स्ट क्वेश्चन दैट वॉज आस्ट इन द सेल बायोलॉजी यूनिट अगर हम यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला था कि जो यू होते हैं उनमें न्यूक्लियोजोम री होते हैं देखिए न्यूक्लियोजोम बेसिकली क्या होता है हमें पता है जो हमारा डीएनए है वो इस तरीके से रैप करके रहता है अराउंड हिस्टोन प्रोटीन और उस चीज को हम यहाँ पर बेसिकली क्या कहते हैं न्यूक्लियो कहते हैं अब यहां पर बोल रहा है न्यूक्लियो जोम री के बारे में नाम से ही आप समझ सकते हो जो न्यूक्लियो को रिमॉडल करे यानी कि स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अल्टर करे अब इसकी वजह से क्या होगा दे आर आस्किंग वट विल हैपन ड्यू टू दिस मिथाइलेट हिस्टोन एच थ्री होगा एसिटाइलेट हिस्टोन एच थ्री एंड एच फोर होगा या फिर क्रिएट डीएनएस वन हाइपर सेंसिटिव साइट्स होगा या फिर डिग्रेड हिस्टोन सब यूनिट इन चारों में से क्या चीज होती है तो अगर हम यहाँ पर देखें इस डायग्राम पे आप फोकस कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हो न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर्स करते क्या हैं न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर्स कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से न्यूक्लियोसोम को रीमॉडल करते हैं आप यहां पर देख भी सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जो ये ये स्ट्रक्चर था डीएनए का जो हिस्सा था ये ऊपर था ये नीचे चला गया थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया ऐसे यहां पर स्पेस जो एडजस्टमेंट कर दिया कि पहले जो यहाँ पर लिंक डीएनए था वो इतना लंबा था फिर यहाँ पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या फिर न्यूक्लियो को क्या कर दिया डिस्प्लेस कर दिया इसकी वजह से यहाँ पर डीएनए का फ्री गैप आपको ज्यादा दिख रहा है तो ये यह जो यहाँ पर न्यूक्लियो जोम री होते हैं ना ये बेसिकली यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं डीएनए में इस तरीके से गैप्स क्रिएट कर सकते हैं तो इन गैप्स की वजह से यहां पर क्या होते हैं जो डी एन एंजाइम होते हैं दैट आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग द डीएनए वो यहां पर इन साइड्स को कट कर सकते हैं क्योंकि जब तक एक डीएनए एक प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है उतना हिस्सा एक्सपोज्ड नहीं होता है लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक ऐसा हिस्सा मिल जाता है जहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है और ये एक्सपोज्ड हिस्सा है काफी अच्छा खासा इस कंडीशन में यहाँ पर डीएनए इस वन जो कि एक डी को कट करने वाला एंजाइम है वो क्लीव कर देता है डीएनए को मोर इजिली इन दीज एरियाज तो यहां पर न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग की वजह से ये चीज हो सकती है कि यहां पर जो डीएनएज वन है वो यहां पर आके कट कर सके क्योंकि अब जो है न्यूक्लियोसोम का रीमॉडलिंग हो चुकी है और डीएनए एक्सपोज हो चुका है सो so इस तरीके से यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्यूटली करेक्ट क्रिएट डीएनएज वन हाइपरसेंसिटिव साइट लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज दसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियोसिएटेड्रेन क्वेश्चन बहुत क्लियर है क्या बोल रहा है कि हमारे पास देखिए हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया है अब ये बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अगर ई ER आर के मेम्ब्रेन भी एसोसिएटेड है तो इस कंडीशन में जो एसोसिएशन होता है वो क्यों होता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एसोसिएशन कि ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं चार ऑप्शन है प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन के लिए एटीपी सिंथेसिस के लिए फोस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए या फिर आयरन सल्फर क्लस्टर असेंबली के लिए इनमें से क्या रीजन है आइए हाँ हम समझने की कोशिश करते हैं यहां पर आप तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं जो कि आपको ये दिखा रहा है ये यह यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर ई है सेम माइटोकॉन्ड्रिया ई आर सेम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और ई आर है और ये जो हिस्सा है इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं एम ए एम हिस्सा बोलते हैं तो यहां पर अगर हम देखें ये हिस्सा बेसिकली बनता क्यों है ये यह हिस्सा यहां पर बेसिकली बनता है कि चीजों का ट्रांसफर हो सके चीजों का ट्रांसफर यानी कि स्पेसिफिकली कौन सी चीजों का ट्रांसफर हो सके तो फॉर एग्जांपल जो यहां पर लिपिड्स मॉलिक्यूल होते हैं उनका ट्रांसफर हो सके किसके बीच में ई आर और मेमब्रेन के बीच में, में ट्रांसफर हो सके प्रोटीन्स का ट्रांसफर नहीं लेकिन लिपिड्स का स्पेसिफिकली ट्रांसफर अब यहां पर अगर लिपिड का ट्रांसफर होता है तो उसकी वजह से यहां पर क्या होता है सिंथिस

इसी के साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे फंक्शंस कराते हैं ये जैसे कि मैंने बोल दिया लिपिड सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं जो एपोप्टोसिस होती है सेल में उसकी मैसेजिंग के लिए भी होते हैं ऑटोफेजी का भी इनिशिएशन देते हैं जिसमें जो ऑर्गेनेल है, वो अपने करवाती है के के लिए और इंसुलिन सिग्नलिंग के लिए यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एक ही चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है दोस्तों वो बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिनमें से यहाँ पर एक चीज जो अभी हमने मेनली पढ़ी वो है लिपिड का ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पर ई आर से माइटोकॉन्ड में सो so, यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पर डेफिनेटली सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि फॉस्फोलिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में ये बेसिकली हेल्प करता है यहाँ पर यही चीज आप बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हैं यू कैन रीड वेरी वेल कि क्या क्या यहां पर किया जाता है यहां पर लिखा हुआ है कैल्शियम की सिग्नलिंग के लिए एपोप्टोसिस रेगुलेशन के लिए माइट्रोकॉन्ड या स्ट्रेस रिस्पॉन्सिस के लिए इन सभी चीजों के लिए यहां पर एम ए एम बेसिकली प्रेजेंट होता है सो ऑप्शन इज एप्सोल्यूटली करेक्ट यहां पर हमारा जो है फोस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म वाला जो था वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ओके लेट्स मूव टू वर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा गया है लैक ऑपेरॉन का यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि लैक ऑपेरॉन में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है कि इन करेक्ट यहाँ पर है एज सिंपल एज दैट हमें सिर्फ उसके बारे में कमेंट करना है तो अगर हम यहाँ पर देखें एक लैक ऑपेरॉन फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है को होने से बचाना है, तो उस कंडीशन में बेसिकली मैं क्या करती हूँ बेसिकली में लेकोस को बुलाती हूँ यहां पर लेकोस को बुलाऊंगी जो कि यहाँ पर रिप्रेसर को काम करने से रोकता है एक तो मैं ये चीज कर सकती हूँ दूसरा यहां पर कैप और कैंप होते हैं ये दोनों आके प्रमोटर साइट पे बाइंड करते हैं जो कि यहां पर आरएनए पॉलीमरेज के की बाइंडिंग को हेल्प करवाते हैं और यहां पर लैक ऑपेरॉन को ऑन कराते हैं लेकिन यहां पर ग्लूकोज जो है वो यहां पर कैंप की सिंथेसिस को कैप की सिंथेसिस को ब्लॉक करता है I'm so sorry, के synthesis को ब्लॉक करता है जिसकी वजह से कैप कैंप नहीं बन पाते हैं सो so, पर अब प्रश्न ये आता है दोस्तों कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है देखो द लैक ऑपेरॉन इज कंट्रोल्ड बाय बोथ लैक रिप्रेसर एंड एक्टिवेटर प्रोटीन कैप अभी हमने देखा एक तो रिप्रेसर होता है जो लैक ऑफरॉन को ऑफ करता है एक कैप एक्टिवेटर होता है जो आर एन को बुलाता है द लैक ऑफेरॉन इज हाईली एक्सप्रेस्ड ओनली वेन बोथ ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोस आर एबसेंट देखो लेक्टोस है वो लेकटोजन का दोस्त है और जो ग्लूकोज है वो दुश्मन है क्योंकि लिए लेकोस भाई साहब बोलते हैं भाई मैं तो अच्छी चीज हूं मैं तो रिप्रेसर को रोक रहा हूं तुम्हें मैं चाहिए क्योंकि अगर लेक्टोस एब्सेंट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों अगर लेक्टोज एबसेंट होगा तो उस कंडीशन में रिप्रेसर जाके लैक ऑपेरॉन को बोलेगा तू चुप बैठ तू काम मत कर तो यहां पर लेक्टोस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है लेकटोस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस तो यहां पर लेक्टोस को हम एबसेंट नहीं रख सकते हैं उस कंडीशन में, में मेरा लैक ऑफेरॉन हाईली एक्सप्रेस नहीं होगा सो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया आप यहां पर इस चीज को देख भी सकते हैं सबसे पहली स्टेटमेंट लैक ऑपेरॉन कंट्रोल की थी तो कैप जो है वो एज अ एक्टिवेटर की तरह वर्क करता है आरएनए पॉलीमरेज ए की बाइंडिंग को हेल्प करता है लैक रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर से बाइंड करता है और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी दूसरी स्टेटमेंट गलत है क्यों दूसरी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लिए यहाँ पर जो लैक रिप्रेसर है वो ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा क्योंकि इस सिचुएशन में अगर यहाँ पर लेक्टोस नहीं है तो जो रिप्रेसर है वो जाके बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर हिस्से से और इस कंडीशन में लैक ऑफरॉन ऑन नहीं हो पाएगा इस कंडीशन में लैक ऑफरॉन ऑफ रहेगा जो थर्ड स्टेटमेंट थी वो बोल रही थी कि एक्सप्रेशन विद लेक्टोस एंड ग्लूकोज प्रेजेंट स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रही है था लैक ऑपरॉन इज हाईली एक्सप्रेस्ड ओनली विक्टोस इज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज इज एपसेंट तो अगर हम यहां पर देखें जब लेक्टोज प्रेजेंट है तो वो रिप्रेसर को ब्लॉक करके रखेगा और जब यहां पर ग्लूकोज एब्सेंट है तो कैप और कैंप जो है वो जाके बाइंड कर पाएंगे किससे जाके बाइंड कर पाएंगे प्रमोटर से जाके बाइंड कर पाएंगे और आरएनए पॉलीमरेज को बुला पाएंगे तो ये स्टेटमेंट सही है इन द प्रेजेंस ऑफ लेक्टोज द रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर बिल्कुल सही बात है जब लेक्टोज प्रेजेंट होता है तो वो यहां पर किसको रोक लेता है वो यहां पर रोक लेता है एलो लेक्टोज को ये आप चीज यहां पर बहुत अच्छे से देख भी सकते हैं यू कैन सी दिस हियर जब यहां पर लेक्टोस है उसने रिप्रेसर को रोक लिया रिप्रेसर को बोला जाने की जरूरत नहीं है तो ये सारी यहां पर स्टेटमेंट थी इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया आंसर टू जो है ऑप्शन टू जो है वो इनकरेक्ट हो गया बहुत आसान सा क्वेश्चन था लैक ऑफ सेल साइकिल से, से क्वेश्चन है ये बोला गया है कि यू कैरियो में जो डीएनए रेप्लीकेशन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है एस फेस ऑफ सेल साइकिल में क्यों हमें पता है यहाँ पर जी वन फेस है दोस्तों एस फेस है जी टू फेस है और एम फेस है जो रेप्लीकेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होती है इसका रीजन पूछा जा रहा है वाई इज इट सो बेसिक समझते हैं देखो यहां पर यूके में एक साइट होती है जिसको बोलते हैं ए आर एस साइट जहां से शुरुआत होती है रेप्लीकेशन की डीएनए के ऊपर ये प्रेजेंट होता है यहां पर सबसे पहले ओ आर सी आके बाइंड करता है दैट इज ओरिजिन रिकॉग्नाइजिंग कॉम्प्लेक्स, जो यहाँ पर एआरएस को पहचानता है और बोलता है अच्छा ठीक है ओरिजिन करानी है स्टार्ट करानी है रेप्लीकेशन की इसके बाद यहाँ पर जो है एम सी एम आता है हेलीकेस का बेसिकली काम क्या होता है डीएनए को अनवाइंड करना डीएनए को खोलना ताकि यहाँ पर क्या चल सके रेप्लीकेशन चल सके अब यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स है और ये जो हेलीकेस है वो आ तो जीवन फेस में ही जाता है ये सब आ तो जीवन फेस में ही जाते हैं लेकिन जीवन फेस में ये सारी चीजें इनएक्टिव रहती है एक्टिव नहीं होती जब एस फेज आता है तो इनका फॉस्फोराइलेशन कराता है जो कि बेसिकली सीडीके कराता है एस फेज का सीडीके जो होता है वो कराता है और इनके फास्फोराइलेशन की वजह से इनमें

अगर हम यहाँ पर सबसे पहले समझने की कोशिश करें यहाँ पर जो एम है वो हेलीकेस प्रोटीन होते हैं जो बेसिकली जीवन फेस में ही आके जुड़ जाते हैं तो ये जो बात इन्होंने बोली है कि वो यहाँ पर जो है एक्टिवेट होते हैं जीवन फेस में ये हमें देखना पड़ेगा जैसा कि मैंने कहा वो जीवन फेस में आके जुड़ जाते हैं अटैच हो जाते हैं ये बिल्कुल सही है लेकिन जब जीवन फेज से एस फेज आता है तब स्पेसिफिक काइनेजेस आते हैं जैसे कि सी डी के टू डीबीएफ जो कि एमसीएम को फॉस्फोराइलेट करते हैं हेलीकेस को फॉस्फोराइलेट करेंगे जिसकी वजह से यहां पर एक्टिवेशन होगा तो ये जो यहां पर बात बोली गई है कि एक्टिवेशन जीवन फेज में हो जाता है ये बिल्कुल गलत बात है जीवन फेज में नहीं होता एस फेज में यहां पर एक्टिवेशन होता है उसी के अलावा यहाँ पर बोला है डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एस फेज में प्रेजेंट होता है तो ऐसा नहीं है डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज होता है प्रेजेंट होता है थ्रू आउट दी सेल साइकिल प्रेजेंट होता है लेकिन डीएनए पॉलीमरेज जो है अपनी एक्टिविटी गेन कर पाता है एस फेज में ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वो ओरिजिन को एस फेज में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं जैसा कि ऑप्शन बी में कहा गया है मैंने अभी आपको कहा कि ओ आर सी जो है वो बेसिकली जीवन फेज में आ जाता है और वही आता है पहले उसी का ही काम होता है रिकॉग्नाइज करना ओरिजिन को एमसीएम सी जीवन फेज में नहीं होता है एक्टिव एस फेज में होता है क्योंकि जीवन फेज में वो सी डी के ही एक्टिव नहीं है जो इसे एक्टिव कर सकता है सो so, यहां पर डेफिनेटली कौन सा ऑप्शन सही होगा यहां पर डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट एमसीएम ऑप्शन सी विल बी करेक्ट लेट्स मूव टू वी नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्लाज्मोडेस्मेटा से रिलेटेड इन करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है चार ऑप्शन है प्लाज्मोडेस्मेटा सेल टू सेल जंक्शन होते हैं प्लाज्मो ओपन चैनल होते हैं बिटवीन द टू सेल्स के साइटोप्लाज्म के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एडजेसेंट सेल की है वो कंटिन्यूसली एक्सटेंड होती है प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू और प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो एक्सटेंशन होते हैं क्लोरोप्लास्ट के चार ऑप्शन मेरे पास है देखिये प्लाज्मोडेस्मेटा पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन प्लांट्स दूसरी चीज अगर हम यहां पर देखें प्लाज्मो डेस्मेटा के बारे में आप देख सकते हो कि यहां पर ये दो सेल्स हैं और ये इनका साइटोप्लाज्म है ये जो आपको येलो कलर का दिखा रखा है ये साइटोप्लाज्म है आप यहां पर देख सकते हैं इन दोनों सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यूएशन में है। वो यहां पर कैसा हो रहा है कंटिन्यू हो रहा है एक दूसरे से ताकि चीजें जो है ट्रांसपोर्ट हो सके इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी यहाँ पर कंटिन्यूएशन में यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी पूरी कंटिन्यूएशन में चलती है इस तरीके से यहाँ पर ये कंटिन्यूएशन में चलती है आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कंटिन्यूएशन में यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये एक साइटोप्लाज्म है ये एक साइटोप्लाज्म है जो कंटिन्यूएशन में है। आप यहां पर इस चीज को भी देख सकते हैं ये एक ओपन चैनल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है इस चीज को भी आप यहां पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं पूरे डायग्राम में क्लियरली दिखाया गया है इसके अलावा यहाँ पर बोला है कि क्लोरोप्लास्ट का एक्सटेंशन होता है तो ये बात बिल्कुल गलत है यहाँ पर जो बोला गया है सेल टू सेल जंक्शन होते हैं सही बात है ओपन चैनल होते हैं सही बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एडजस्टेंट की कंटिन्यूसली होती है सही बात है प्लाज्मो डेस्मेटार एक्सटेंशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट गे एक्सटेंशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं यहां पर अगर हम इस डाइग्राम को थोड़ा सा जूम करके समझने की कोशिश करें अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके भी इस डायग्राम को दिखा दू तो आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहानी चल रही है यू कैन चेक आउट हियर यहाँ पर ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो यहाँ पर इस तरीके से डेस्मो टिब्यूल बना रही है जो प्लाज्मो डेस्मेटा से पास हो रहे हैं यहां पर कहीं पे भी क्लोरोप्लास्ट का कोई रोल नहीं आ रहा है हियर यू कैन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हियर यू कैन सी दो साइटोप्लाज्म जो है वो जुड़ रहे हैं साइटोसोल जुड़ रहे हैं यहाँ पर आपको ओपन चैनल भी दिख रहा है सो so, यहां पर कौन सा ऑप्शन गलत हो गया यहां पर डी ऑप्शन जो है वो एप्सोल्यूटली एंड एप्सोल्यूटली इनकरेक्ट है फ्रेंड्स यू कैन सी दैट यहां पर ये जो होता है प्लाज्मोडेस्मेटा एक्सटेंशन नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट के दे आर साइटोप्लाज्मिक चैनल्स दैट ट्रांसफर्स द सेल वॉल अलॉन्ग द सेल साइटोसोल ऑफ वन सेल टू बी कंटिन्यूअस विद द साइटोसोल ऑफ अन एक का साइटोप्लाज्म दूसरे साइटोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूअस होता है सो दिस ऑप्शन वॉज इनकरेक्ट

अब प्रश्न ये आता है किस रीजन की वजह से होती है मोनोमेरिक जी प्रोटीन पेरीफ्रल मेम्ब्रेन जी प्रोटीन स्पिंगोलिपिट्स फॉस्फोलिपिड साइड चेन सैचुरेशन या कोलेस्ट्रोल देखिए जे प्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली ऐसे प्रोटीन हैं जो सिग्नलिंग में पार्ट लेते हैं स्पेसिफिक सिग्नलिंग होती है जीपीसीआर उसमें पार्ट लेते हैं तो यहां पर इनका तो उसमें कोई रोल ही नहीं आता पेरीफ्रल प्रोटीन्स का मतलब होता है ऐसे प्रोटीन्स जो पेरीफ्री में इस तरफ प्रेजेंट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है और वो पेरीफ्री में प्रेजेंट है तो इनका भी स्पेसिफिकली कोई रोल नहीं आएगा अब ये जो प्लाज्मा की, तो की एक बनी होती है फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन्स भी होते हैं अब अगर फ्लूडिटी जो है वो मेंटेन करेंगे तो ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर प्लाज्मा में है यहां पर मेनली है वो यहां पर फ्लूडिटी को मेंटेन करने में रोल प्ले करेंगे तो इसमें सबसे पहले यहां पर क्या बोला गया है सबसे पहले यहां पर बोला गया है कि जो मेम्ब्रेन फ्लुइडिटी होती है उसका मतलब क्या है कि प्रोटीन लिपिड्स मूव कर सकते हैं जो ये प्लाज्मा मेंब्रेन है उसमें प्रोटीन और लिपिड्स मूव कर सकते हैं इट्स नॉट लाइक वो सॉलिड है वो दे कैन मूव सो अब इनके जो मूव है या फ्लूडिटी है वो कैसे मेंटेन करी जाती है तो सबसे पहले तो स्फिंगो लिपिड्स जो एक लिपिड्स होते हैं वो यहां पर करते हैं कैसे स्फिंगो लिपिड्स टेन टू पैक टाइटली टूगेदर्स फिंगो एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक होते हैं जिसकी वजह से वो मेम्ब्रेन फ्लुइडिटी को डिक्रीज करते हैं वो यहाँ पर स्पेसिफिक लिपिड स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं जिसमें कुछ स्ट्रक्चर्स एग्रीगेट हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ रहते हैं तो यहाँ पर फिंगोलिपट बेसिकली एग्रीगेट हो जाते हैं साथ में आ जाते हैं पैक कर लेते हैं एक दूसरे को और फ्लुइडिटी को डिक्रीज करते हैं ऐसे ही जो फॉस्फोलिपिड्स होती है वो दो तरीके की होते हैं एक तो ऐसे होते हैं और एक ऐसे होते हैं ऐसे फॉस्फोलिपिड्स को हम सैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड बोलते हैं और ऐसे फॉस्फोलिपिड को हम अनसाचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं अब अगर यहां पर लिपिड्स ऐसे प्रेजेंट है तो वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से इंटरैक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर ऐसे प्रेजेंट है तो वो इतने अच्छे से एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे तो इस कंडीशन में मेम्ब्रेन जो होगी वो बहुत ज्यादा फ्लूइडी होगी और इस कंडीशन में मेम्ब्रेन जो होगी वो लेस फ्लूइडी होगी तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि ये सैचुरेशन जो है यहां पर ये जो सैचुरेशन है फोस्फोलिपिड की वो भी इम्पैक्ट करती है फ्लूइडिटी के ऊपर थर्ड थिंग कोलेस्ट्रॉल भी डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है कोलेस्ट्रॉल अगर हम यहां पर देखें तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो यहाँ पर डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा अगर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट हाई है तो वो मेम्ब्रेन फ्लुइडिटी को डिक्रीज करता है और अगर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट लो है तो उस कंडीशन में यहां पर क्या होता है मेम्ब्रेन फ्लुइडिटी इंक्रीज होती है तो वी कैन से दैट कोलेस्ट्रॉल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेंब्रेन फ्लुइडिटी सो इस कंडीशन में यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो हेल्प नहीं करती है फ्लूडिटी मेंटेन करने में एक तो जी प्रोटीन एक पेरिफ्रल में प्रोटीन सो यहां पर ये दोनों नहीं करते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ करते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन इज एप्स्यूटली करेक्ट लेट्स मूव टू मूट सी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है वंस अगेन सेल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन है मियोसिस वन से रिलेटेड देखिए मियोसिस वन एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें यहां पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है अब इस कंडीशन में यहां पर यह पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको ऐसा लगता है कि सही है मतलब इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो होती है साइनाप्टोनिम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम, डिग्रेडेशन ऑफ कोहेसिन एट द आर्म्स रिटेंशन ऑफ क्रोम एट द सेंट्रोमियस बाय ओरिएंटेशंस ऑफ काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिक यहाँ पर आपके सामने चार स्टेटमेंट्स दी हुई है आप यहां पर इस डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप यहाँ पर मियोसिस वन को थोड़ा सा और अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दो सिस्टर क्रोमैटेड होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये क्रोमोजोम है तो ये दोनों क्या होती हैं सिस्टर क्रोमेटेड होती हैं अब ये क्रोमैटिड क्या होती है एक दूसरे से इस तरीके से ना पूरी तरीके से जुड़ी होती है इनको जोड़ने के लिए एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं कोहैसन प्रोटीन कोहैसन प्रोटीन बोलते हैं यहां पर इसके साथ साथ एक और क्रोमोसोम है इन दोनों क्रोमोसोम को हम मिला के क्या बोलेंगे इन दोनों क्रोमोसोम को मिला के हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम अब यहां पर जब प्रोफेस होता है प्रोफेस होता है उस कंडीशन में ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है इनके बीच में एक साइनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है और इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है यानी कि ये दोनों क्या करते हैं ये दोनों अपने अपने कुछ कुछ हिस्से को एक्सचेंज करते हैं अब यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या बोली गई है साइनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम तो साइनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल बनेगा आप यहां पर इस पिक्चर में भी ये चीज देख सकते हैं क्यों बनेगा क्योंकि प्रोफेस में जब ऐसे साइनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेंगे तभी तो यहां पर इन दो होमोलॉगस क्रोमोजोम के बीच में एक्सचेंज हो पाएगा ना तो यहां पर डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही है सेकेंड बोल रहा है कोहैसेन प्रोटीन्स जो है उनका डिग्रेडेशन होता है ध्यान से आप मेरी बात समझिएगा यहाँ पर इस तरीके से ये क्रोमोजोम है मैंने जैसा कि कहा ये थ्रू आउट थ्रू आउट क्या होते हैं कोहैसन प्रोटीन से ये दो तो सिस्ट्रोक्रोमाटेट एक दूसरे से जुड़ी होती है तो जब यहां पर मियोसिस वन होना होता है उसमें आप देख सकते हो जब मेटाफेज वन स्टेज है जब होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए हैं तब थ्रू आउट द क्रोमोसोम कोहेसिन प्रोटीन प्रेजेंट है थ्रू आउट दी क्रोमोजोम यहाँ पर कोहैसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है यू कैन सी इन ब्लू कलर वही जब यहां पर एनाफे वन आता है और जब यहां पर होमोलोग क्रोमोजोम सेपरेट हो जाते हैं उस कंडीशन में आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आर्म्स थे आर्म्स के इधर से कोहैसिन निकल चुका है सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रोमियर होगा उसके पास कोहैसिन प्रोटीन अभी भी प्रेजेंट होगा लेकिन आर्म्स के इधर से कोहैसिन प्रोटीन निकल जाएगा सो so, यहां पर ये चीज जो है बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट रिटेंशन ऑफ कोहैसिन एट द सेंट्रोमियर्स यस कोहैसिन का रिटेंशन होगा सेंट्रोमियस के इधर क्यों रिटेंशन किया जाएगा क्योंकि अगर हमने सेंट्रोमियर से भी हटा दिया कोहैसिन तो फिर तो पूरी सिस्टोक्रोमैटिक्स अलग ही हो जाएंगी और वन में अलग नहीं होती है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अलग होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम तो मुझे पूरी होमोलोगेड अलग नहीं करनी है इसलिए अभी भी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है सेंट्रोमियर में कोहासिन इज स्टिल प्रेजेंट तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी करेक्ट है ए करेक्ट है बी करेक्ट है सी करेक्ट है मुझे पता लगाना है डी करेक्ट है यानी है। बाई ओरिएंटेशन ऑफ काइनेटो कोर्स ऑफ अब ये ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं देखिए बाई ओरिएंटेशन का मतलब यहां पर होता है कि समझो ये होमोलोग क्रोमोजोम है और ये यहां पर इस तरीके से आमने सामने आए हैं और ये जो क्रोमोसोम है ये इस वाले स्पिंडल फाइबर से अटैच है और ये वाला जो क्रोमोसोम है वो इस तरफ के स्पिंडल फाइबर से अटैच है इस चीज को हम क्या बोलते हैं बाई ओरिएंटेशन कहते हैं अटैच एट ऑपोजिट पोर्स अब यहाँ पर ऑप्शन में बोल रहा है कि जो काइनेटोकोर्स है सिस्टर क्रोमैटिड के वो बाइओरियंटेशन में होते हैं मियोसिस में सिस्टर में कानेटोकोर क्या होता है ये जो सिस्टर सिस्टोक्रोमैटिड है एक क्रोमोजोम के पास इस तरफ ऐसे काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है जिसका काम बेसिकली होता है स्पिंडल फाइबर से अटैच होके क्रोमोजोम्स को सेपरेट कराना अब यहां पर होता क्या है जब मियोसिस वन होती है उस कंडीशन में आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं एक क्रोमोसोम के जो दोनों के दोनों काइनेटोकोर है एक क्रोमोसोम के पास दो काइनेटोकोर है दोनों के दोनों काइनेटोकोर एक तरफ वाले ही स्पिंडल फाइबर से अटैच है ये वाला इस तरफ वाले से अटैच है ये वाला इस तरफ वाले से अटैच है तो इस कंडीशन में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो ओरिएंटेशन में होता है वो आमने सामने होते हैं लेकिन एक क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर है वो एक ही तरफ होता है वो ओरिएंटेशन में नहीं आता एक क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर है वो बाई ओरिएंटेशन में कब आएगा मेटाफेस टू में आएगा म्योसिस टू में आएगा जब सिस्टोक्रोमैट्स को सेपरेट होना होगा तो यहां पर जो ऑप्शन डी है वो गलत हो गया तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो होगा वो एब्सोल्यूटली करेक्ट हो जाएगा अगर हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन यहां पर क्रोमोजोम से रिलेटेड है मोस्ट बैक्टीरियल क्रोमोजोम्स आर सर्कुलर हाउ एवर इन फ्यू बैक्टीरिया लीनियर क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट देखिए ये तो डेफिनेटली सी बात है कि हमें पता है एक्सेप्शन तो होते ही हैं। तो यहां पर हमें पता है ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो सॉक्यूलर डीएनए के साथ होते हैं लेकिन कुछ बैक्टीरिया जैसे कि बुरेलिया उसमें यहाँ पर लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है तो ये बात तो डेफिनेटली सही है ए ऑप्शन जैसे ही सही हुआ इसको कट कर दो ऑल बैक्टीरिया सिस्टम आर नोन टू हैव सिंगल क्रोमोजोम देखो ऑल ऐसी स्टेटमेंट जब एक्सट्रीम में सीएसआर बात करता है ना तो मोस्टली गलत ही होता है कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स के पास सिर्फ एक सिंग सारे के सारे बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम होगा जैसे कि यहाँ पर विब्रियो की अगर हम बात देखें तो उसके पास दो सोकुलर क्रोमोसोम होते हैं तो ये वन वाली बात तो गलत हो गई बी ऑप्शन गलत हो गया बी ऑप्शन यहाँ पर जैसे ही गलत हुआ इसको काट दो इसको काट दो मेरे पास यहाँ पर बी ऑप्शन पहले ही कट हो गया था ए कट हो गया सी कट हो गया डी सही है ऑल बैक्टीरिया क्रोमोजोम कंटेन्स अन्हेंसर लाइक एलिमेंट एनहेंसर लाइक एलिमेंट क्या होते हैं बेसिकली दोस्तों सम सॉरी समेक्टीरियल क्रोमोजोम एनहेंसर लाइक एलिमेंट एनहेंसर क्या होते हैं जो बेसिकली एनहेंस करते हैं किसी हिस्से के एक्सप्रेशन को लाइक like किसी हिस्से के ट्रांसक्रिप्शन को एनहेंस कर दिया तो ये एनहेंसर्स बेसिकली यू कैरियॉट में प्रेजेंट होते हैं लेकिन कुछ बैक्टीरिया बोला बैक्टीरिया बोला तो सही बात है अगर ऑल बैक्टीरिया यहाँ पे भी लगाते हो तो गलत हो जाता डी <coughs> ऑप्शन बोल रहा है कि क्रोमोसोम्स जो तो बैक्टीरिया में होते हैं वो स्टेबलाइज किए जाते हैं किसके द्वारा हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स के द्वारा वो स्टेबलाइज किए जाते हैं तो हिस्टोन्स जो है हमें पता है यू कैरियोट्स में होते हैं बैक्टीरिया में हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एच यू और आई एच एफ तो यहां पर ये बात भी बिल्कुल सही हो गई तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन विल बी एप्सोल्यूटली करेक्ट लेट्स मूव टू अस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन टारगेटिंग से रिलेटेड न्यूक्लियस में जो प्रोटीन टारगेटिंग होती है उससे रिलेटेड बातें करी गई हैं यहाँ पर आपको बताना है कि जो आर एन जीटीपी होता है उसके बारे में क्या सही है देखो आरएन जो है वो एक प्रोटीन होता है जिसको हम जी प्रोटीन कहते हैं बेसिकली जी प्रोटीन यानी कि जो जी डी पी और जीटीपी से बाइंड कर सकता है अब ये जो है यहां पर क्या प्रेजेंट होता है समझे इस तरफ न्यूक्लियस है और समझे इस तरफ साइटोप्लाज्म है तो ये ना यहाँ पर दो फॉर्म में हो सकता है एक होता है आर ए एन जी डी पी और एक होता है आरएन जी टी पी तो यहां पर जो आर होता है ना वो जीटीपी फॉर्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में और जीडीपी फॉर्म में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में क्यों ऐसा क्योंकि यहां पर साइटोप्लाज्म में गैप एक्टिविटी प्रेजेंट होती है गैप एक्टिविटी मतलब जीटीपी एक्टिविटी प्रेजेंट होती है जो जी को तोड़कर जी में कन्वर्ट कर देती है और यहां पर न्यूक्लियस में गैफ एक्टिविटी प्रेजेंट होती है जो कि होती है ग्वानी न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जो कि जीडीपी को निकाल के जीटीपी से अटैच करा देता है को तो इस कंडीशन में अगर हम यहां पर देखें आर गैप इज एंड इन द न्यूक्लियस नहीं साइटोप्लाजम में होता है ये ज्यादा आर एन गैप इज लोकेलाइज इन साइटोप्लाजम बिल्कुल सही है ए ऑप्शन जैसे ही गलत हुआ बी ऑप्शन जैसे ही सही होगा मेरा सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा आरएन गैफ इज एंड न्यूक्लियर बिल्कुल सही बात है द न्यूक्लियर इम्पोर्ट रिसेप्टर्स हैज इन द कम्पार्ट कम्पार्टमेटाइजेशन ऑफ आर एन जी टी पी अब यहां पर ना एक और न्यूक्लियर इम्पोर्ट रिसेप्टर्स होते हैं तो वो यहां पर बोल रहा है हेल्प करते हैं आ हैं, जीटीपी के कंपार्टमेंट में तो यहां पर ये गलत बात है बी और सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है इनपे पूरा हक इसका होता है कि अगर ये न्यूक्लियस में जाएंगे तो गैप एक्टिविटी इनपे वर्क करेगी और साइटोप्लाज्म में जाएंगे तो गैप एक्टिविटी वर्क करेगी तो गाइज यही सारे हमारे सी के जून ट्वेंटी के शिफ्ट वन के क्वेश्चन थे सेल बायोलॉजी के कराए हैं जो सेल बायोलॉजी के सिलेबस में सी एस आई आर ने दिए हैं और वो क्वेश्चंस जो हैं फिर एग्जाम में जो पूछे गए हैं आपने यहाँ पर देखा भी होगा कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मॉल बायो से ज्यादा रिलेटेड हैं पर सीएसआई आर नेट ने उसको सिलेबस में यूनिट टू में दिया हुआ है तो हमने स्पेसिफिकली उसको यूनिट टू के साथ ही सॉल्व किया है अगर आपको मेरे साथ पूरी तरीके से प्रिपरेशन करनी है सीएसआई आर नेट या गेट की तो आप बंसल बायोलॉजी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप जो है हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो गेट एक्सेल का बैच भी है गेट बी का भी बैच है सी एस आई आर के भी बैच है कॉम्बिनेशन में भी बैच है कि अगर किसी स्टूडेंट को दो एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टाइस उम्मीद है कि आपको ये इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में जानकर अच्छा लगा होगा और अगर आपको बाकी के भी यूनिट्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा Wish you all the very best, guys. Take care of yourself. Bye-bye.